हेलो एवरीवन, हम आज कर रहे हैं आपका चैप्टर 4, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। और इसके पिछले 4 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट सम करने वाले हैं, 5th सम है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। सम दे रखे और हमें इनकी स्टेटमेंट फॉर्म इसमें लिखनी है। 8th सम इसमें गिवन है, फटाफट करते हैं इनको सॉल्व। इंग्लिश और हिंदी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी मीडियम में कैसे होंगे। तो इसमें हमारा जो पहला सम है वो दे रखा है इन्होंने, P+4=15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर पी एंड 4 गिव्स 15। हिंदी में लिखेंगे, पी और 4 को जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है। ठीक है जी। अगला है M-7=3। इसको कैसे लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। हिंदी में इसको लिखेंगे, m में से 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 2m-7। इसको लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ m गिव्स 3। हिंदी में लिखेंगे, m का 2 गुणा करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। आगे है M/5=3, यानी कि m/5। जब m को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 3। हिंदी में लिखेंगे, 5 को भाग m को 5 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। अगला है 3m/5=6, यानी कि 3×m/5=6, यानी कि m के 3 गुने को 5 से भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। अगला है 3p+4=25। इसको लिखेंगे, 4 added to 3p gives 25। हिंदी में लिखेंगे, 3p के 3 गुने में 4 जमा करने पर 25 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 4p-2=18। इसको लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 times of p gives 18। 2 subtracted from 4 times of p gives 18। हिंदी में लिखेंगे, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 8th सवाल है p/2+2=8, यानी कि 2 added to 1/2 of p gives you 8। हिंदी में लिखेंगे, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। 6th सम में है आपका, इरफान सेज दैट He has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. हिंदी में है, इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है और इरफान के पास 37 कंचे हैं। यहाँ पे हमें परमीत के कंचों की वैल्यू नहीं बताई गई, तो हम मान लेंगे कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, m। लेट कर लिया कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, m कंचे हैं, और इरफान के पास कितने कंचे, परमीत के 5 गुने से 7 ज़्यादा, यानी कि इरफान के पास कितने कंचे, 37 है, उसने दिए कितने, 37 है। तो हमें इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि 5m+7=37, यानी कि उसने बताया ना इरफान के पास है 5 गुने के, परमीत के 5 गुने के 7 ज़्यादा, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 5m+7=37। नेक्स्ट सम इज, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 years old, ही इज़ 4 years older than लक्ष्मीज़ एज। टेक लक्ष्मीज़ एज टू बी वाई ईयर्स हम लेंगे, हिंदी में देख लेते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 years है, उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और लक्ष्मी की आयु हमें कितनी लेट करनी है, वाई ईयर्स। हमने लक्ष्मी की एज वाई लेट कर ली है, और फादर की एज उसने बोला है कि लक्ष्मी की एज के 3 गुने में 4 ज़्यादा, यानी कि 3y+4 आएगा। फादर की एज गिवन है 49, तो रिक्वायर्ड हमारी जो वो बनेगी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी 3y+4=49। नेक्स्ट है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना घन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, और इंग्लिश में आपका ये सब ऐसे है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाई स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, एल लेना है हमें लोएस्ट स्कोर।
नेक्स्ट सम में हमने लेट कर लिया है कि जो हमारा लोएस्ट स्कोर है वो कितना है, L, और जो हाईएस्ट स्कोर उसने कितना बताया, हाईएस्ट स्कोर है 2 गुना लोएस्ट स्कोर के प्लस में 1। तो हाईएस्ट स्कोर क्या कि हमारी वो क्या हो गई, हमारी वो इक्वेशन 2L+1, और गिवन कितना हाई स्कोर 87। तो सिंपल है, 2L+1=87, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समद्विबाहु क्या होते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होते हैं। इंग्लिश में है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी 20 डिग्री। बेस एंगल कितना लेना है, 20 डिग्री। बेस एंगल लेट कर लिया है बी, बेस एंगल क्या है बी, और वर्टेक्स एंगल कितना है 2b। अब यहाँ पे देखना है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना, जो एंगल्स होते हैं उनका, ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं उनका कितना होता है, वो 180 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल को जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, बी, क्योंकि तीन एंगल है तो एक एंगल हो गया बी, दूसरा एंगल हो गया बी, और तीसरा एंगल हमारा गिवन है 2b, और कितना होता है तीनों मिलके 180। अब इन तीनों को जमा कर देंगे, 1b 2b और 2b और 2b 4b इक्वल टू 180। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है चैप्टर। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।